नमस्कार, पॉलिटॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज विद टी। 370 हटाने पर बौखलाया पाकिस्तान, इमरान के मंत्री ने दी युद्ध की धमकी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान और वहां की राजनीति में बौखलाहट है। पाकिस्तान ने भारत सरकार को युद्ध की धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को भारत फिलिस्तीन बनाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि संसद में बेकार के विषयों पर उलझने के बजाय हमें भारत का जवाब खून, आंसू और पसीने से देना होगा। हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा। इस बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने देश की संसद में संयुक्त सत्र का आह्वान किया है, जो बुधवार को होना है। धारा 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका दायर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि कश्मीर से धारा 370 को हटाने के लिए सरकार ने आर्टिकल 367 में जो संशोधन किया है वो असंवैधानिक है। सरकार ने मनमाने और असंवैधानिक ढंग से कार्यवाही की। शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग की है। लोकसभा में गूंजा अखिलेश का बैगन किस्सा, शाह पर दागे सवाल। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को लेकर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर पीओके को लेकर सवाल उठाए, साथ ही कश्मीर में धारा 370 हटाने को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर में बल का प्रयोग किया जा रहा है और इस फैसले से कश्मीर की जनता खुश नहीं है। इस दौरान उन्होंने सदन में बैगन किस्सा सुनाते हुए कहा कि बीरबल वही करेगा जो बादशाह कहेगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कई जगह पत्थरबाजी, पुलिस मोर्चे पर। जम्मू कश्मीर से छुटपुट विरोध और हिंसा की खबरें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को श्रीनगर के कुछ इलाकों में कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है। श्रीनगर के करीब 9 जगहों पर पत्थरबाजी की खबरें सामने आई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हाजी बाग कैंप, सोम्यार मंदिर, इस्लामिया कॉलेज, छोटा बाजार समेत 9 इलाकों में अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरा T20 मैच आज। टीम इंडिया आजमा सकती है बैच स्ट्रेंथ। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच आज खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत पहले से ही 2-0 से आगे चल रहा है। ऐसे में आज के मैच में टीम की बेंच स्ट्रेंथ को मौका मिल सकता है। चहर ब्रदर्स के साथ श्रेयस अय्यर को भी मौका मिल सकता है। पॉलिटॉक्स न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पॉलिटॉक्स न्यूज के साथ।